सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। अर्थात आप समझे कि आपकी आत्मा का कैसे मोक्ष प्राप्त हो, आप भी अपने जगत के हित के लिए कुछ कार्य कर सके, यही उद्देश्य भी है आनंद मार्ग संस्था का। लेकिन ये उद्देश्य किसने उठाया, ये बीड़ा किसने उठाया? भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, जिनका जन्म हुआ 1921 में। उनके जीवन को लेकर और दर्शन को लेकर हमारी चर्चा बनी हुई है, अपने पिछले कार्यक्रम में भी हमने समझा, आज भी समझेंगे, सारे रहस्यों से उजागर होंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी, जिन्होंने अपने कई वर्ष भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ भी बिताए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनके माध्यम से हम भ्रांतियों को दूर करेंगे और भगवान श्री आनंद मूर्ति जी के जीवन परिचय से परिचित होंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। अपने पिछले कार्यक्रम में हमने भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जीवन परिचय की शुरुआत हो चुकी थी, जान चुके थे कब जन्म हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। 1955 तक हम पहुंच चुके थे, उनके जो कार्य रहे, ऐसे कार्य भी किए गए जहाँ तक पहले जितने भी हमारे लोग हैं, नागरिक हैं, भले ही उनके जानकारी में ना हो, लेकिन उनका उद्देश्य एकमात्र ही था कि जगत का कल्याण हो सके, वो हमने आपके माध्यम से समझा। लेकिन 1955 पर आकर हमारी बात रुक गई थी क्योंकि समय का अभाव था। अब फिर से अपनी चर्चा को आगे रखेंगे, जानेंगे। 1955 में गुरुदेव जो पहले श्री श्री प्रभात रंजन सरकार के नाम से जाने जाते थे दुनिया में, अब वो आनंद मार्ग संस्था बनाकर भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में जाने जाने लगे जी। उन्होंने दो चीज़ों की शुरुआत की, एक तो जिन साधकों को उन्होंने धर्म साधना अपने से सिखाई थी, क्योंकि उसके पहले कोई आनंद मार्ग में दूसरा आचार्य नहीं था जो धर्म साधना सिखा सके, उन्होंने स्वयं कुछ लोगों को धर्म साधना सिखलाई, उनको साधक कहते हैं। उनको उन्होंने दो चीज दी, पहली चीज व्यक्तिगत जीवन में यम नियम आधारित साधना सुबह शाम की, और जीवन में यम नियम का अभ्यास, और हफ्ते में सभी साधक मिलकर भजन कीर्तन करके अपनी साधना सम्मिलित करें संग छद्वंग मंत्र के साथ, वैदिक मंत्र के साथ जी, और गुरु पूजा के साथ उसका अंत करके। उसको उन्होंने, गुरुदेव ने कहा धर्म चक्र, जो ये धर्म का चक्र घूम करके 7 दिन में एक बार अपने स्थान पर आ जाता है जी। तो हफ्ते में 1 दिन धर्मचक्र, 2 समय की साधना नियमित घर में ठीक, और हफ्ते में 1 दिन सम्मिलित साधना, उसको उन्होंने धर्मचक्र कहा जी। इसके अलावा गुरुदेव अब भ्रमण करने लगे और जगह जगह जा करके साधकों की गोष्ठी को एड्रेस करने लगे, उसको कहा गया धर्म महाचक्र। इन धर्म महाचक्र में साधकों को धर्म के जो गूढ़ तत्व थे जी, और साधना विज्ञान था, उसकी व्याख्या करते थे। आज ये आश्चर्य का विषय है जी, कि 1955 से लेकर के आगे काल तक जिन विषयों पर गुरुदेव बोलते रहे, उनको आज भी पढ़ने पर, 20 बार पढ़ने पर कुछ कुछ चीजें समझ में आती है। उस जमाने में वो लोग उन गूढ़ शास्त्र के रहस्यों को, साधना विज्ञान के रहस्यों को कौन समझा होगा। लेकिन गुरुदेव
उन सामने बैठे लोगों के लिए केवल नहीं दे रहे थे जी। मानवता का अनुदान वहीं से शुरू हो गया, जो देने के लिए आए थे इस धरा पर उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी, उद्देश्य की शुरुआत हो गई। तो वो जो उनके प्रवचन है धर्म महाचक्र के, उनको आज भी सुभाषित संग्रह नाम के जो सीरीज है उसमें आज भी पाया जाता है। उसमें उस जमाने से लेकर के स्थान और ईयर भी उसमें लिखा हुआ है कब गुरुदेव का प्रवचन है जी। इसके अलावा गुरुदेव ने जीवन वेद दी, क्योंकि हमारी साधना नीत और धर्म पर आधारित है और नीत के वही मौलिक सिद्धांत हैं यम नियम, अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य परिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इन्हीं नीत के सिद्धांतों पर धर्म की नींव गुरुदेव ने डाली। तो ये जो जहां इनका वर्णन है उसको बोलते हैं जीवन वेद। वैसे तो वेद चार हैं, ऋग यजुर् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, लेकिन आज जो विद्वान है इसको एक पांचवे वेद के रूप में मानते हैं जीवन वेद, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान तो वेदों में हो जाता है जी। लेकिन जीवन के ज्ञान को देने की आवश्यकता थी जो गुरुदेव ने भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उसकी पूर्ति की है। वो बहुत पतली सी पुस्तक है लेकिन वो इतनी आवश्यक पुस्तक है जो नीत से लेकर के धर्म के रास्ते पर चलाने वाली है, वो है जीवन वेद जीवन का ज्ञान। इसके बगैर आदमी जीवन में चल नहीं सकता, क्योंकि उनको देना था आत्मोक्षार्थं जगत हिताय आदर्श, इसलिए उसके लिए व्यवहारिक पथ पर चलाने के लिए इस पुस्तक के रूप में गुरुदेव को प्रवचन देना पड़ा जी। इसके बाद संगठन भी बन गया आनंद मार्ग, संगठन काम करना शुरू कर दिया। उस समय गुरुदेव ने उन गृही साधकों के बीच से कुछ लोगों को आचार्य की ट्रेनिंग दी, जो धर्म की साधना लोगों को सिखलाते थे ठीक। और ये धर्म की साधना स्त्री पुरुष दोनों को करने का उन्होंने अधिकार दिया, क्योंकि प्राचीन ऐसी व्यवस्था थी कि स्त्रियां वेद का पाठ नहीं कर सकती थी। गुरुदेव ने कहा कि ये पुराना डॉगमा छोड़ो, अब वो दुनिया दूसरी तरफ इसको चलनी है, इसलिए बाबा ने ये रास्ता दोनों के लिए खोल दिया। इसलिए कुछ औरतों को भी लेडीज को भी उन्होंने आचार्य बनाया, गृह आचार्य ठीक। ये व्यवस्था चलती रही 1962 तक। इसी बीच में चूंकि जगत हिताय भी उन्होंने आदर्श दिया था और दर्शन जो हम आगे इसको हम खोलेंगे जी। दर्शन में जो एक अभाव था जीवन दर्शन में एक सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी की, उसकी भी शुरुआत गुरुदेव ने 1959 में 1959 में उसकी शुरुआत की और उस दर्शन का नाम हुआ प्रौत दर्शन, हिंदी में प्रगतिशील उपयोग तत्व ठीक, और अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी ठीक। एक सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी है। और 1961 में गुरुदेव ने विधिवत एक पूर्ण जीवन दर्शन को 85 सूत्रों में उन्होंने बांध करके ला दिया, जिसको आज हम आनंद सूत्रम के नाम से जानते हैं ठीक। तो आनंद सूत्रम का जो पांचवा अध्याय है उसमें संपूर्ण प्रौत दर्शन आ गया 16 सूत्रों में, और ये आनंद सूत्रम है विशुद्ध संस्कृत में जो वादरायन के ब्रह्म सूत्र के बाद पहली दफा हजारों वर्षों के बाद सूत्र साहित्य के को उन्होंने पुनः स्थापित किया आनंद सूत्रम के रूप में। इस प्रकार से पूर्ण जीवन दर्शन 5 अध्यायों में और 85 सूत्रों में आज आनंद सूत्रम के नाम से जाना जाता है जी। चूंकि 1959 में इसकी शुरुआत हुई प्रौत दर्शन की, उसमें सीनियर तात्विकों को एड्रेस करके भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने गुरुदेव ने अपने सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को जी दर्शन में पिरोया। उस जहां ये आज ये प्रवचन उनका मिलता है उस पुस्तक का नाम है आइडिया एंड आइडियोलॉजी। अब ये दर्शन की भी शुरुआत कर दी है, पुनः दर्शन को पूरा करना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रौत दर्शन भी और अध्यात्म दर्शन भी।
1962 में उन्होंने देखा कि अब संस्था को गति देनी है, क्योंकि जीवन को भी गति देना उनका काम है जी जी, इसलिए उसको गति प्रदान करने के लिए उन्होंने संन्यास सिस्टम बनाया। इसलिए पहला अवधूत उन्होंने 1962 में बनाया जी चाहे जी, यानी कि 1962 से पहला अवधूत बना, पहला अवधूत बना। बिल्कुल आचार्य जी, रोकना चाहूंगी फिर, क्योंकि वक्त हो चला है अंतराल का। अंतराल के बाद जानेंगे कि 1962 में और ऐसे कौन से कार्य किए गए जिसके माध्यम से जगत का हित हो सका। फिलहाल रुकते हैं अंतराल के लिए। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज, जिनके माध्यम से समझ रहे हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति के जीवन को लेकर क्या उनका उद्देश्य रहा, ये भी हम समझ रहे हैं। लेकिन अपनी चर्चा को फिर से जारी करने से पहले एक बात बताना चाहेंगे, या यूं कहें कि आपको जागरूक करना चाहेंगे। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो हम अपना मार्ग अध्यात्म को छोड़ अपराध की ओर चल पड़ते हैं। अधिकतर ऐसे लोग हैं नेशनलिस्ट बनते हैं, उसके साथ साथ आतंकवाद को अपनाते हैं, देश के लिए वो कार्य करने लगते हैं जो न सिर्फ उनके नुकसानदायक होता है बल्कि इस समाज के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन कभी का आपने अपने आप से ये प्रश्न किया है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है? नहीं, आप चाहते हैं कि ऐसी समस्या से, ऐसी निराशा से आप बच सके, क्योंकि आप ही तो देश के युवा हैं, आप ही तो इस देश को चला रहे हैं। कहते हैं कि जिस देश का युवा ही बहुत शिक्षित होगा, वेल सेटल्ड होगा, उस देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस देश का विकास होने से उसे रोक सके। आप चाहते हैं कि आप ऐसा अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, ना सिर्फ किताबी शिक्षा, ना सिर्फ
अपनी जितनी भी मैकेनिकली हम शिक्षा लेते हैं ना, सिर्फ वो साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी लेना उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि हर देश का युवा ही है जो उसके देश में परिवर्तन ला सकता है, और परिवर्तन वो भी जिसमें वैल्यूज हो, रूल्स हो, हम अपनाएं ताकि समाज का कल्याण हो सके। यही उद्देश्य है आनंद मार्ग का भी। आप चाहते हैं आनंद मार्ग से जुड़ सके तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते हैं, जुड़िए, समाज का कल्याण करिए। तो आइए अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जीवन परिचय को लेकर। फिर से अपनी चर्चा की ओर लौट रहे हैं, फिर से जानेंगे वो सारे महत्वपूर्ण बातें, वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे हम अब तक वंचित हैं। इस कड़ी में एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ठीक भगवान शिव की तरह मानवता के कल्याण के लिए वहां खड़े हो जाते हैं, जैसे शिव खड़े हो जाया करते थे। मानवता को जहां भी धूप लगी भगवान शिव छतरी तान करके खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी देख रहे हैं कि अगली शताब्दी में क्या कमी होने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए वो सब कमियां पूरी करते जा रहे हैं। तो 1958 में भागलपुर जिले के कहलगांव के पास एक त्रिमुहान जगह है जी। वहां श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह के घर में बाबा ठहरे हुए थे और वहां उन्होंने 1958 में त्रिमुहान में तीन नदियों का वो संगम है जी। उसी नाम पर उस गांव का नामकरण हुआ। ठीक। वहां उन्होंने रिनासा आर्टिस्ट और राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की, क्योंकि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आगमन इस धरती पर अपने आप में रिनासा की शुरुआत है। क्योंकि आज के विद्वान भी, और मेरी धारणा है कि वे हैं रिनासा पुरुष, क्योंकि जीवन के हर पहलू में वो रिनासा लाना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने 1958 में त्रिमुहान में रिनासा यूनिवर्सल संस्था के नाम से और रिनासा राइटर्स और आर्टिस्ट एसोसिएशन के रूप में इसकी प्रतिष्ठा उन्होंने कर दी। क्योंकि लेखन के क्षेत्र में और आर्ट के क्षेत्र में भी उन्होंने एक पुनर्जागरण लाया, क्योंकि उस समय तक कला और लेखन था जीवन के लिए नहीं, कला कला के लिए थी। उन्होंने आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस कहा, क्योंकि जगत कल्याण उनका मिशन है, उनका लक्ष्य है। इसलिए 1958 में ये दो संस्थाएं बना करके उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। 1962 में वो आह्वान किया पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको अद्भुत रूप में दीक्षित करके जगत कल्याण के लिए प्रेषित कर दिया, क्योंकि उनका कार्यक्रम आगे शुरू होने वाला था। उसकी शुरुआत 1962 में ही शुरू कर दे रहे हैं जी। और 1963 में एक उन्होंने संस्था बना दी, इरोज, एजुकेशन रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्टर, जिसके माध्यम से करीब करीब हजारों स्कूल पूरे विश्व में चल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा है, नया कदम है। जब हम एजुकेशन पर बोलेंगे उनके अवदान को, तो इसको हम पूरा करेंगे। तो 1963 में उन्होंने इरोल संस्था बनाई, और जिसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक में हम शिक्षा दे रहे हैं, साविद्या या वा विमुक्ते के आदर्श के ऊपर। क्योंकि अब तक, आज तक भारत के 65-66 साल के इतिहास में हम शिक्षा को न कोई दर्शन दे सके, न कोई आदर्श, कोई इसको न दिशा मिली, ना कोई इसका दर्शन मिला जी। उसको भी उन्होंने पूरा किया है गुरुदेव ने। साविद्या वा विमुक्ते, शिक्षा वो है जो मुक्ति प्रदान कर सके, जो हमारे जीवन से अंधकार विद्या दूर कर सके। तो इस संस्था की शुरुआत 1963 से हुई। ठीक। 1966 में उन्होंने, चूंकि अब तक सन्यासी थे, सन्यासिनी नहीं थी जी, और समाज के दो पहलू है, इसलिए दूसरा पक्ष जो है महिलाओं का, उस विभाग की भी शुरुआत कर दी 1966 में। यानी कि महिलाएं भी अपना सहयोग देने लग गई। हाँ, वो महिला पहली अवधूतिका 1966 में जी, इसकी भी शुरुआत हो गई। इसके बाद में वो क्रमशः, चूंकि जब एजुकेशन रिलीफ और वेलफेयर सेक्शन बन गया था, तुरंत 66 में ही जी,
बिहार में सूखा पड़ा, इसने सूखा राहत काम की शुरुआत कर दी। उसमें वही बाद में कलांतर में रूप धारण किया आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम का जी, जो एक ग्लोबल संगठन है, यूनाइटेड नेशन से भी एनजीओ के रूप में इसको मान्यता है। हम पूरे विश्व में राहत का काम इसमें करते हैं और डिसास्टर रिलीफ में इराज को स्पेशलाइजेशन है, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या मानवीय आपदाएं होती हैं उसमें आनंद मार्ग की जो ये आपका एक कह सकते हैं कि जो भी आपने सेवा प्रदान की है सभी के कल्याण के लिए, इनका एक उद्देश्य है कि ऐसे वक्त में अपना जो भी है योगदान दे सके। तो इसमें हमारे वॉलंटियर्स पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम 160 देशों में तत्काल काम कर रहे हैं, इन 160 देशों में हमारे वॉलंटियर्स है, जहां पर कोई आपदा आई वहां का आदमी वहीं तैयार है। अभी हम लोग सेंट्रल अमेरिका में हैती में रिलीफ का काम कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन का, जो वहां की सरकार भी मदद कर रही है, यूनाइटेड नेशंस भी उसमें मदद कर रहा है, हमारे वॉलंटियर्स वहां पर रिहैबिलिटेशन वर्क कर रहे हैं। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर तरीके से हमने समझा कि किस तरह से जितने भी हमारे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें भी अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि जितने भी परेशान लोग हैं उनको परेशानी से मुक्त किया जाए। समय का अभाव है, यही विराम देना चाहेंगे, आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते ये वादा करते जाते हैं कि और भी बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आपकी और हमारी सभी भ्रांतियों को दूर किया जा सके। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि आनंद मार्ग के साथ जुड़े और जगत के हित के लिए कार्य करें। नमस्कार।